नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पांडे, ब्यूरो चीफ गाजीपुर, और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया नाउ 24। और आज मैं गाजीपुर जनपद के तहसील जखनिया ग्राम सभा अलीपुर मदरा में उपस्थित हूँ। हड़ौरा बाबा का स्थान है, मैं आपके वहीं मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। यह संभावित कार्यक्रम था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 19 तारीख को, जो कि किन्हीं कारणवश वह कार्यक्रम उनका न होके डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी का आगमन 22 तारीख को यहाँ पर होने वाला है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा यादव जी और रविंद्र जायसवाल जी, सारे लोग मतलब भाजपा के जितने कद्दावर नेता हैं, उनका आज अलीपुर मदरा के इस ग्राउंड में मैं आपको दिखाऊं। और यहाँ के जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, जो लगातार कई दिनों से यहाँ पर लगे हुए अपनी पूरी टीम को लेके, और यहाँ जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं, मैं सारे लोगों के साथ दिन रात एक मेहनत चल रही है। मैं आया यहाँ पे फिर के कार्यक्रम में क्या उसकी जानकारी लेने के लिए, तो कहीं न कहीं से वह सारे लोग यहाँ उपस्थित भी मिले इस मौके पर भी। वैसे आइए, मैं यह कार्यक्रम जो बदला है वह क्या है और यह कार्यक्रम आने वाला क्या है, उसके बारे में मैं विस्तार से जानने का प्रयास करूँगा। सर, आपको परिचय देंगे। सर्वानंद सिंह झुंडा, ग्राम अलीपुर मदरा। सर, यह कार्यक्रम जो था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का, जो 19 तारीख को था, समाचार के माध्यम से और आपके माध्यम से भी हमें ज्ञात हुआ था कि नहीं 19 तारीख को यह कार्यक्रम में बदलाव हुआ है, किस वजह से और कौन कौन लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा इस पर हमको विस्तार से बताने का। इन्हीं कारणों से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम कैंसिल हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत थी और धूप की स्थिति आप देख रहे थे, तो इस वजह से भी और कुछ कारण और भी हो सकते हैं जो मुझे भी नहीं पता है, जिसके कारण जो है कार्यक्रम जिनका 19 तारीख का कैंसिल किया गया है। और 22 तारीख को समय वही है 10 बजे, डिप्टी सीएम माननीय ब्रिजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी और प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल जी का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। जैसा कि संगठन से हम लोगों को सूचना मिली है कि 22 तारीख को यह कार्यक्रम उसी प्लेस पे भी हुआ का स्थान अलीपुर मदरा में सुनिश्चित किया गया है। और प्रोटोकॉल आने के बाद हो सकता है कि आज प्रोटोकॉल आ जाए तो आपको जैसे कार्यक्रम की जो उपलब्धियां थी, जो कार्यक्रम जो आप लोग लगे हैं कई दिनों से लगातार, मैं 4-5 दिनों से मैं इस ग्राउंड पे लगातार मैं भी आ रहा हूं, और यह जो कार्यक्रम था प्रोटोकॉल अभी सुनिश्चित नहीं हुआ, क्या लगता है यह कार्यक्रम ऐसा नहीं ना कि कार्यक्रम फिर डिले हो जाए? नहीं, राष्ट्रीय संगठन द्वारा कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है, तो कैंसिल होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। 22 तारीख को निश्चित तौर पर कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया और होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे मैं डी बाबा के स्थान पर अलीपुर मदरा में, और यह आपको मैं दिखा रहा था, इनसे जिससे मैं जानकारी ले रहा था, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सर्वानंद सिंह झुन्ना जी से मेरी बात हो रही थी, और भी ग्रामीण यहाँ पर खड़े हैं और यह लोग लगातार एक जिम्मेदार। परिचय दे दें। अखिलानंद सिंह, एडवोकेट। सर, एक जो ये कार्यक्रम चल रहा है सर, और आप यहाँ तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं जब जब यहाँ आया तो आप यहाँ उपस्थित हमसे मिले, यह कार्यक्रम जो आगामी 22 तारीख को डिप्टी सीएम जी का लगा है, वह यह किस एवज में या किस संबंध में? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि को बताने के लिए और जन जन तक सबको सचेत करने के लिए, और जो भी जन सुविधा उन व्यक्तियों को मिली है, लाभार्थियों को, यह बताने के लिए कि नहीं फला व्यक्ति ने इसका उपभोग किया है और भारत के स्वाभिमान सम्मान को माननीय मोदी जी ने बढ़ाया है, उस सारी चीज़ों से अवगत कराने के लिए माननीय डिप्टी सीएम श्री ब्रिजेश पाठक जी का कार्यक्रम 22 तारीख को यहाँ सुनिश्चित किया गया है। धन्यवाद सर। आप सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सुनील कुमार पांडे, एडवोकेट है। सर, आप भी पेशे से अधिवक्ता हैं और यह जो कार्यक्रम है सर, इसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। यह कार्यक्रम विगत 22 तारीख को लगा हुआ था जो कि सीएम मौर्या जी का, लेकिन अब यह कार्यक्रम स्थगित होकर के जो है 22 तारीख को लगेगा, 19 को लगा था, 22 को लगेगा, और वही मोदी जी के कार्यक्रम 9 साल के कार्यकाल का जो उपलब्धियाँ हैं उनको जो है जनता जन हर व्यक्ति को जानकारी हो कि उन्होंने 9 साल में क्या किया, इसकी उपलब्धि को बताने के लिए यह कार्यक्रम लगाया गया है और उसको सघनता पूर्वक कराया गया, और साथ साथ
गांव के जो अन्य विकास के कार्यक्रम छूटे हुए हैं उससे भी जो है उसको भी